In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu Alaikum. I'm here with the short summary of Jahangir Khan, the conqueror, and answers to the questions in the exercise and the grammar portion of the chapter. In this chapter, we have been told about Jahangir Khan, his origin, his His origin and his childhood days and when he entered into the world of squash. The writer has started this chapter about Jangir Khan with a beautiful line from the poetry of Alamaik Bal that is with a little moisture, this soil is extremely fertile. जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी वर्ड कैन ट्रूली बी सेम फ्रॉम अ पश्तून फैमिली डेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिलेज नियर पिशावर कॉल्ड नवे खले नवे कले इन इट्स इट्स अ पश्तू वर्ल्ड इट मीन्स न्यू विलेज, नया गांव। जहांगीर खान वन हिस्पर्स इन द फील्ड ऑफ स्कॉच, सो मच सो दैट इज नेम एंड स्कॉच बिकेम इनसेपरेबल उन्होंने स्कॉच के मैदान में अपना लोहा मनवाया अपनी काबिलियत का सबूत दिया इतना ज्यादा के उनका नाम जहां कहीं स्कवाश का नाम आया तो जहांगीर का नाम ही जहांगीर खान का नाम ही जहन में आया एज इफ टू साइड जैसे वो एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं दो अतराफ हैं इट्स एन नीडियम टू साइड ऑफ द सेम कॉइन ऑल दो डिफरेंट टू डिफरेंट थिंग्स बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर दे आर इनसेपरेबल जैसे एक सिक्का है उसके दोनों अतराफ मुश्किल बहुत डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ होते हैं लेकिन वो एक होता है उसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते जहांगीर खान वॉज फिजिकली वेरी वीक इन हिज चाइल्डहुड बिकॉज ही हैड गॉन थ्रू द सर्जी सर्जरी ऑफ हर्निया बिफोर द एज ऑफ फिफ्टीन कि वर्जिश खेल में वो हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो जिसमानी तौर पर बहुत कमजोर है लेकिन उनकी प्यास थी स्कोश के लिए स्कॉश खेलने के लिए उस प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने अपनी कुत इरादी से उनकी कुत इरादी इतनी मजबूत थी कि उन्होंने स्कॉश के मैदान में अपना नाम हासिल किया ही एमबाग ऑन द मोस्ट ग्रूलिंग स्पोर्ट ऑफ स्कॉश एंड थ्रू इज करेज एंड डिटर्मिनेशन अल्टीमेटली प्रिवेल्ड देन ही हैड सम सम्रेजिडी इन इज लाइफ इन द फॉर्म ऑफ द डेथ ऑफ इज एल्डर ब्रदर वाज़ ग्रेट सोर्स ऑफ़ इंस्पिरेशन फॉर जहांगीर खान उनके भाई की सडन डेथ उनकी भी खेल के दौरान जब ऑस्ट्रेलियन ओपन का मुकाबला था उस मैच के दौरान वो उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई और ये जहांगीर खान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था क्योंकि वो जहांगीर खान के कोच भी थे और जहांगीर खान उनसे ही इंस्पायर होके स्कॉश के मैदान में आए जब वर्ल्ड 1979 में उनके सेलेक्टर्स ने यह फैसला किया कि उनको ना सेलेक्ट किया जाए क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। मेडिकली फिट नहीं है तो जहांगीर खान ने फॉरन ही वर्ल्ड एमेच्योर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में हिस्सा ले लिया और 15 साल की उम्र में पंद्रह साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ही बिकेम द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस इवेंट सबसे छोटे खिलाड़ी जो के कामयाब हुए उन वो जहांगीर खान थे एट द एज ऑफ सेवनटीन जहांगीर खान स्टाउंडेड द वर्ल्ड बाय बीटिंग द वर्ल्ड नंबर वन जे ऑफ हंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल टू बिकम द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ओपन इन 1989. और 17 साल की उम्र में जहांगीर खान ने दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी जिनका नाम जिओफ हंट था वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते थे फाइनल मैच में उनको हराकर आपने द वर्ल्ड ओपन 1989 के आप विनर बन गए This tremendous victory proved to be the scratch line for the journey of his success that went on as as unstoppable as the wind for 555 matches consecutively in the next 5 years that is from 1981 to 1986. ये starting line थी जो उन्होंने Australia के मशहूर खिलाड़ी को हरा दिया तो ये उनके लिए एक शुरुआत थी उनके सफर की उसके बाद एक हवा की तरह जो अनस्टॉपेबल है ना रुकने वाली हवा की तरह वो आगे बढ़ते गए चलते गए और 555 मैचेस कंजेक्टिवली लगातार उन्होंने 555 मैचेस जीत लिए और ये 1981 से 1986 के दौरान एंड टू हिस्स क्रेडिट इट इज द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक ये एक बहुत लंबी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी एक लाइन थी जिसमें वो टॉप लेवल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एज पर द रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल किया गया कि ये सबसे लंबी लाइन थी जिसमें वो लगातार जीत मैचेस की एक कतार थी जिसमें वो जीतते चले गए ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड करियर ही वन द वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप

वो जहांगीर खान के सामने आ खड़े हुए मुकाबले में एंड पुट अ रियल चैलेंज टू हिज डोमिनेशन हिस्सिनेशन जहांगीर खान की एक डोमिनेशन थी उस वर्ल्ड ऑफ पे वो छाए हुए थे और जान शेर खान एक चैलेंज बन के उनके सामने आ खड़े हुए जान शेर खान वॉज एबल टू कैप्चर द 1987 वर्ल्ड ओपन टाइटल जान शेर खान ने 1987 वर्ल्ड ओपन टाइटल जीत लिया जहांगीर खानी एट और मार्च नाइनटीन एटी एट में दोबारा जहांगीर खान ने जान शेर खान की जो वो एक लगातार उनकी जो फतूहात थी उनकी जो जीत थी उसको दोबारा से डोमिनेट कर लिया ਉਸपे ਗਾਲੇ ਬਾਗਏ ਦੇ ਮੈਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਫ ਦਾ 1988 ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਵੇਰ ਇਨ ਜਹگیر ਖਾਨ स्टूड ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਉਨ ਦੋਨੋ ਕੇ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ 1988 ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਕਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਮੇ ਜਹگیر ਖਾਨ ਫਾਤੇਹ ਕਰਾਰ ਪਏ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਸ ਫੀਨੋਮੈਨਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਾਸ ਹਿਸ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ which he had attained not without a rigorous training and regular physical exercise यानी ये तमाम जो फतुहात थीं ये एक्सेप्शनल गैर मामूली जो उनकी कार्यकर्दगी है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो उनकी कार्यकर्दगी हमारे सामने आई ये वैसे ही नहीं थी इसके लिए उनको बहुत टफ और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था और एक रेगुलर वो फिजिकल जिस्मानी मश्क वो किया करते थे ही वुड स्टार्ट हिज डे डूइंग 14 किलोमीटर जॉगिंग इन 62 120 मिनट्स

उनके दिन का आगाज ही जॉगिंग से होता था Then he would take body exercise in the gym. उसके बाद वो जिम में body exercise के लिए चले जाते थे. थे और end पे वो पूल में swimming pool में कूद जाते थे, body को cool down करने के लिए. ही रूटीन जॉगिंग से लेके जिम एक्सरसाइज से और फिर स्विमिंग तक हर रोज ये रूटीन दोहराई जाती थी और पूरे

in 1993, now coming to the achievements of jangir Khan in this paragraph, the writer says in 1993, following his last match against Jahangir Khan in the World Open final, this legendary player bade adieu to squash as a player. 1993 में Jahangir Khan का उन्होंने मुकाबला किया, आखरी खेल, खेल खेला उन्होंने और World Open final में इन्होंने उसके बाद squash को हमेशा के लिए अल्लाहफिज कहा बट लाइक ऑफ वॉटर फिश आउट ऑफ वॉटर हीस जैसे मछली दरिया से बाहर उसको दरिया से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पती रहती है सेम वॉज द केस विद जहांगीर खान ही कुड नॉट स्टे अवे फॉर टू लॉन्ग वो इतना ज्यादा स्कॉश से दूर ना रह सके

और 1988 में वो वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए लेटर इन 2002 एंड 2004 ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन फॉर टू टर्म्स सक्सेसिवली दो टेन्योर्स के लिए वो वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे इन 2008 ही बिकेम एमरिटस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन ंग टू बी इनक्लोज इन फ्यू लाइन्स जाहिर है उनकी जो कामयाबियां थी उनकी कारकरियां उनके एजाजात जो उनको मिले उनकी बहुत ही लंबी फहरिस्त है उनको चंद लाइनों में चंद

doctorate of यूनिवर्सिटी for his contributions to sports in 2007 लंडन मेट्रोपोलिटीपोलिटन यूनिवर्सिटी ने उनको एक ऑनर डिग्री एजाजी डिग्री से नवाजा दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन कि उन्होंने स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत खिदमत सरंजाम दी द जैपनीज गवर्नमेंट पेड हिम अ सोलम ट्रिब्यूट एक बहुत ही मुजज उनको तहसीन पेश किया जापान की गवर्नमेंट ने बाय इन नेम उनके नाम की एक यादगार मोहर स्टैंप उन्होंने इशू कर दी उनको जारी कर दी एक स्टैंप जारी की जिन पे उनका नाम लिखा था इन हिज बुक विनिंग स्कॉश जहांगीर खान राइट्स अपनी किताब विनिंग स्कॉश में जागीर खान लिखते हैं मुझे बताया गया कि मैं कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता मैं अपने खानदान में सबसे छोटा सबसे कमजोर और भी, सबसे बीमार था स्टेटेड फर्दर इन बुक और फिर वो फर्दर अपनी किताब में लिखते हैं नीदर द डॉक्टर्स nor my फादर believed.

सारी दुनिया से जो उनको मिल रहे थे उनकी अपनी फैमिली से ही वॉज इग्नाइटेड एंड बूस्टेड अप उसके बावजूद ही 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 लिफ्टेड अप बाय द वर्ल्ड विद इन एंड हिमसेल्फ उनकी जो अपनी अंदर की दुनिया थी यानी बाहर की दुनिया ने तो उनको डिस्करेज किया उनकी जो अंदर की दुनिया थी दैट इज हिज विल पावर दैट इज हिज डिटर्मिनेशन जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को साबित किया ही रूल्ड ओवर द वर्ल्ड ऑफ स्कॉश उन्होंने स्कॉश के की दुनिया में हुक्मरानी की एंड ट्रू टू हिज नेम और जैसे कि उनके नाम का हकीकी मतलब है ही वॉज कॉल्ड एज द कॉनकरर दैट इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड उनके अपने नाम का ही मतलब है फाते दुनिया का बादशाह now you can see the early life of jangir khan and the later in his uh, after the retirement from the world of squash now see who is the greatest of all time a look at the legends of the game jangir khan जहांगीर खान गो अगेंस्ट इज डॉक्टर एक्टिविटी डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ जहांगीर खान क्यों गए जब क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस ये थी कि वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा ना ले Your answer is: Jahangir Khan went against his doctor's advice of refraining from taking part in any physical activity because he had high zest and passion to excel in the field of sports. He had strong willpower and determination that nothing could deter him from his chosen path. उनकी विल पावर ही इतनी स्ट्रांग थी उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि कोई भी उनको उनके मुंत रास्ते से ना हटा सका ऑल दो ही वीक बट इज बी थीज्म बाई एनी फिजिकल मैलेडी वो फिजिकली वीक तो थे लेकिन कोई भी जिसमानी बीमारी उनके जोश को उनके जज्बे को कम ना कर सकी रोक ना सकी फेक्टर्ड चेंड and he embarked on the most grueling sport of squash grueling sport bahut thaka exhaustible through his courage he established fame for his incredible fitness and stamina and widely known as the fittest player in the world of sports apni courage se apni himmat se hi ek bahut hi fitness or stamina hasil kiya or duniya ke now, question number 2, read paragraph 6 of the text and say what did Jahangir Khan do to maintain his physical fitness? What he used to do to be physically fit? Jahangir Khan maintained his physical fitness with a rigorous training, rigorous, bahot, tough, harsh and regular physical exercise. He would start his day with doing a 14 kilometer jogging in 60 to 120 minutes, followed by short bursts of timed sprint. Then he would take body exercise in the gym and finally cooling down in the pools. He would follow this routine five days a week. On the sixth day, he would do match practice and the seventh day used to be his rest day. Only one day in a week was the complete rest day. Rest of the days were very tough in physical training and regular physical exercise. Question number three Give a brief detail of Jangir Khan's achievements in the light of the text Jangir Khan the Conqueror.

Shaped for six times in a row from 1982 to 1991. In 1997, he was elected as the Vice President of the World Squash Federation, and in November 1998, he became the Vice President of the World Squash Federation. In 2008, he became Emeritus President of WSF, World Squash Federation. The Government of Pakistan conferred upon him the Pride of Performance Award and the Civil Award of Hilale imtiaz the times magazine named him as one of their asian heroes of the last 60 years the london metropolitan university granted him the honorary degree of the doctorate of philosophy for his contributions to sports in 2007 the japanese government paid him tribute by issuing commemorative stamp in his name so these were his prominent achievements number four keeping in view the achievements of jangir khan compare any other national hero in sports with him although jangir khan is the top of the list in the world of squash another notable pakistani player uh, i have here written the example of samiullah khan he was the best hockey player who was nicknamed the flying horse abney speed ki se. वो फ्लाइंग हॉर्स का लकब उनको दिया गया बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट स्पीड ही प्लेड एज विंगर फॉर हिज नेटिव कंट्री इन द नाइनटीन सेवेंटीज एंड नाइनटीन एटीज इन वर्ल्ड ऑफ हॉकी नोन एज फ्लाइंग हॉर्स सो ब्रेथ टेकिंग द पावर रिदम ग्रेस एंड कंट्रोल ऑफ दिस सेलिब्रेटेड लेफ्ट विंगर समी उल्लाह खान हॉकी के मैदान में बहुत मशहूर खिलाड़ी थे और पूरी दुनिया में इन द वर्ल्ड ऑफ हॉकी उनको फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जाना जाता था बिकॉज ऑफ द पावर द रिदम ग्रेस एंड कंट्रोल ऑफ दिस लेफ्ट विंगर यू कैन गिव एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान Coming to question number five, find out three idiomatic expressions from the text and explain their meaning. We have uh, while I was explaining the chapter, we had come across three at least idiomatic expressions. Number one, one hispers, that is to do something which shows that one deserves to be respected or noticed. Two sides of the same coin, closely related to each other and cannot be separated even though they seem to be completely different.

हाँ होते हैं जिनको अचीव करना चाहते हैं बहुत सी मिसालें ऐसी होती हैं जिनमें अपने ख्वाबों के हसूल में हमें बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है वी ऑफन फेस ऑब्स्टिकल इन आवर डे टू डे लाइफ एंड मे फील लाइक गिविंग अप समटाइम्स रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी रुकावटें होती हैं जिन्हें हमें फेस करना होता है और समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए हम कभी घबरा भी जाते हैं द एग्जाम्पल ऑफ जहांगीर खान लेकिन जहांगीर खान की जो मिसाल है शोज आज द्रीम दैट सीम इम्पॉसिबल कैन बी रियलाइज विध डिटर्मिनेशन एंडस्टेंस जहांगीर खान की मिसाल से हमें ये वाजे हो जाता है हमें इंस्पायरेशन मिलती है कि वो ड्रीम्स जो कि हमें बहुत नामुमकिन लगते हैं उनको पूरा करना उनका उनका हसूल हमें मुश्किल लगता है लेकिन हम उनको हासिल कर सकते हैं विद अपनी कुत इरादी से और मुस्तकिल कोशिश से नो मैटर वट आर और, और उसके रास्ते में कोई भी मुश्किल आए कोई उसका मसला नहीं है क्योंकि अगर हम डिटर्मेंड हैं तो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं determination dedication and will power are prerequisites to achieving success in life and are the game changer ye determination hai hamari dedication to work hai ya hamari will power hai yahi ibtidai hamare paas ye hathiyar hai ये requirements है हमारी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए और ये game changer है फॉरन से हालात को change कर देते हैं For they give necessary strength to succeed in life and profession. एंड वन इमर्ज स्ट्रोंगर एंड बेटर देन बिफोर और बंदा अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर समझने लगता है नाओ देर इज एन देयर इज अ ग्रामर एक्सरसाइज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेज वट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेज ट्रांजिशनल डिवाइसेज दे आर वर्ड्स दे आर फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू एन अदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस की मदद से हम एक सेंटेंस की थॉट्स को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर एक तस्वर से दूसरे तस्वर की तरफ फ्रॉम वन पैराग्राफ टू दर पैराग्राफ ये दो पैराग्राफ्स को आपस में लिंक करने का काम भी करते हैं

Again and then, besides, equally important, finally, further, furthermore, next, lastly, what's more, moreover, whereas, on the other hand, in the meanwhile, compared to, after all, in contrast, although, because, since, obviously, evidently. So, there are so many transitional devices. Now, here in the exercise, fill in the blanks with the appropriate transitional word in a closed door session. Dash, the teachers were meeting in a closed door session. What is the traditional device which can indicate place and space? Now, in the bracket, you are given the hint place and space. So, you will select nearby. Nearby, the teachers were meeting in a closed door session. Number two. Furthermore, the harvest dance was also held on a Friday night. Comparison and contrast. Even if the school district, even if is the transitional device, the school district pays for half of the students' breakfasts, there still will be those without enough resources to pay for the remaining amount. यानी हता के अगर school district जो है, वो half of the students के breakfast के लिए pay भी कर दे, फिर भी बहुत से ऐसे students हैं जिनके पास इतने resources नहीं होते।

fewer students are able to take courses in the fine arts that is music art and drama in the other words duse fazme yek the student council has unanimously endorsed the revised calendar for the school in addition to in, ext in extension to something so we use the transitional device in the other words next is similarly a longer school day may provide more opportunities instead of fewer Next is use the correct transition words in the blanks. Tim earned an A on the test. Likewise, Justin also received an A. Likewise, इसी तरह Tim ने तो A grade हासिल किया इसी तरह Justin ने भी A grade हासिल किया The book was interesting, although it was hard to read. अगरचे पढ़नी मुश्किल थी लेकिन किताब दिलचस्प थी Gordon finished his chores early. Therefore, he had time to play football. गॉर्डन ने अपने काम जल्दी खत्म किए इसलिए उसके पास वक्त था फुटबॉल खेलने के लिए साराज हॉर्स इज ब्यूटीफुल लाइकवाइज इट इज वेल ब्रेड इसी तरह इसके ये बेहतरीन परवरिश पाने वाला घोड़ा है The 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 sailors prepared the ship to sail. Meanwhile, the dock workers loaded the cargo. Sailors जब शिप को सेल करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उसी दौरान डॉक workers जो थे वो cargo, वो सामान load कर रहे थे Her sister had a cold. Therefore, Julie's family cancelled the trip. Oranges are good for you. For example, they are full of vitamin C. Two seats were left on the bus. Consequently, most of the group had to wait for the next one, So these are transitional devices which smoothly takes, a, takes the idea to another sentence. Now, put the verb into their correct sentence, and here you must remember in my previous video, I had told you about the zero conditional sentences first conditional, second conditional, third conditional. So, here these are the examples of second conditionals. अब जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस भी पास्ट में होगा और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो भी जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगी वो भी पास्ट में होगी और ये सम, somehow, ये ड्रीमी सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं। अगर ऐसा होता अगर मेरे पास पैसे होते अगर मैं मिलेनेर होता अगर मैं अगर वो छोटा होता अगर उसको अच्छी जॉब मिल जाती अगर मैं बेहतरीन इंग्लिश बोल सकता ये ड्रीमी सेंटेंसेस अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता आई वुड गेट अ न्यू जॉब मैं नई जॉब हासिल कर लेता या मुझे नई जॉब मिल जाती इफ ही वर यंगर अगर वो छोटा होता देखिए खाइश है ये वर्ड जो हम यूज करते हैं सिंगुलर्स के साथ सिंगुलर के साथ लाइक ही एंड आई ये ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए इफ यूर इफ यूर यंगर ही अगर वो छोटा होता तो वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकता था इफ आई अगर मेरे पास बहुत पैसा होता आई a बाय हाउस तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता इफ शी were नॉट always so late, अगर वो कभी लेट ना होती हमेशा she would be promoted, तो उसकी प्रोमोशन हो जाते वर्ल्ड की सैर करतेटर जॉब अगर आपके पास बेहतरीन जॉब होतीबल टू बाई अम नए कार खरीदने के काबिल होते इफ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आपने ये डिफरेंस देखा सेकेंड कंडीशनल की एग्जाम्पल हैं कि कंडीशनल सेंटेंस भी पास्ट है और नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो भी पास्ट में है इफ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब इफ वी लिव्ड इन इंग्लैंड आई वुड स्पीक इंग्लिश इफ शी पास द एग्जाम अगर वो एग्जाम पास कर लेती शी वुड बी एबल टू एंटर यूनिवर्सिटी शी वुड बी इफ शी हैड मोर फ्रेंड्स We would buy a house some ghar lete, if we decided to stay here. They would have more money if they did not buy so many clothes. We would come to dinner if we had time. She would call him if she knew his number. They would go to Marie on holiday if they liked cold weather. She would pass the exam if she studied more. I would marry someone famous if i were a movie star we never would be late again if we bought a new car you would lose weight if you ate less aap kam kate to up weight lose lete. this is all about the second conditionals in the grammar exercise of jangir khan the conqueror